विश्व भर में 236 से अधिक एवियन प्रजातियों की एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है रानीखेत, जो पोल्ट्री उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। इस रोग का मृत्यु दर मुर्गियों में 90 से 100% तक का है। मेघालय का एक छोटा सा गांव पिंथर भुइलासा, यहां की एक निवासी लारी हुन को पिछले साल 30,000 का एक बड़ा नुकसान हुआ। उनकी करीब 80 मुर्गियां बीमार पड़ी और मर गईं। और उन्हें अने प्रफुल्लित ते ला बुनी आंग लाई फोट एम आंग आज कमलों पन्हियार एम रे ए दो पन सरक बोखोख ले लंग। रानीखेत जैसी संक्रामक बीमारी और उसके टीकाकरण के विषय में गांव के ज्यादातर लोग पूरी तरह से अनजान हैं। रानीखेत रोग के लक्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। इस रोग से ग्रसित होने पर मुर्गियां आहार लेना कम कर देती हैं। इन्हें हरे पानी जैसा या पीला दस्त होने लगता है। इससे मुर्गियों के शारीरिक भार में कमी होती है, अंडा उत्पादन में कमी होती है, प्रजनन संबंधी हानि होती है। जानकारों का मानना है कि रानीखेत बीमारी के लिए टीका आसानी से उपलब्ध है और इसके डोज के लिए जरूरत है छोटे पोल्ट्री फार्म्स को एकजुट होकर समूह बनाने की, जिसके लिए जरूरत है उन्हें जागरूक होने की। न्यूकासल डिजीज जो मुर्गियों की बीमारी है, तो ये तो हर जगह है हिंदुस्तान में और यहाँ पे भी है, और उसका वैक्सीन बहुत इजीली अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अवेलेबल है, जो किसान वैक्सीन करता है। लेकिन क्या होता है, इनका वैक्सीन का डोज बड़े डोज में आता है, 1,000 वर्ड्स के लिए आता है ना, तो 500 वर्ड्स के लिए आता है, तो ये बड़े फार्म्स के लिए फायदेमंद रहता है। लेकिन छोटे फार्म के लिए मैंने बताया आपको, एक कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा, इनको कोऑपरेटिव बना के आपस में बांटना पड़ेगा। न्यूकासल डिजीज लघु पोल्ट्री किसानों के साथ साथ बड़े पोल्ट्री किसानों के लिए भी भयानक साबित होती है, क्योंकि सही समय पर टीका न लग पाने की वजह से 100% मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। भारत सरकार की ग्रामीण पिछड़ी कुक्कुट विकास योजना एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसके तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे वाले किसानों को चूजों और एनडी वैक्सीन की आपूर्ति कराने में योगदान देती है। साथ ही पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा भी समय समय पर राज्य स्तरीय टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके साथ ही रानीखेत बीमारी के बारे में कई निजी कंपनियां भी जागरूकता फैलाने का काम लगातार कर रही हैं। हेस्टर बायोसाइंसेज भारत में न्यूकासल अथवा रानीखेत रोग वैक्सीन के प्रमुख निर्माताओं में से एक है। ये कंपनी लाइव एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का बड़े पैमाने पर निर्माण करती है। भारत में ये बीमारी अभी भी स्थानिक है, लेकिन कई टीकाकरण कार्यक्रमों के बावजूद नियमित रूप से इसका प्रकोप देश भर के राज्यों में देखने को मिलता है।